अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरी वीडियो बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्मली मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता। एक्चुअली मेरा आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जैसा कि हमारी आजकल के जो बच्चे हैं या बहुत से लोगों के जहन में ये तसव्वुरात हैं या सोचते हैं इसके, यूट्यूब पे पैसे कमाना बहुत आसान है, यूट्यूब पे मैं अपना काम करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। तो आज मेरी उन दोस्तों के लिए मेरी ये वीडियो है कि यूट्यूब में हम कितने व्यूज़ होते हैं तो हमें कितने पाकिस्तानी रुपये मिलते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन अगर 1,000 व्यूज़ आपकी वीडियो के हों तो आपको कितने रुपए मिलते हैं। तो चले मैं आपको आज जो है अपना लाइव ये आपको बताता हूँ कि कितने मिलते हैं। ये देखें, ये मेरी कुछ दिन पहले ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो ये सारा उसके हवाले से, ये जो व्यूज़ वगैरह हैं ये उसके हवाले से ही है। तो जब से मेरा चैनल बना है तब से ये उसका ग्राफ है। तो चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ है तकरीबन 1 हफ्ता पहले, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलें 1 हफ्ते की हम ये ले लेते हैं कि 1 हफ्ते में मेरे चैनल ने क्या अर्न किया। ठीक है, तो ये देखें, 1 हफ्ते में मेरे जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो है 0.74 डॉलर। अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ 0.75, यानी कि थर्ड जो क्वार्टर जो है वो मेरे जो है 3/4 मैंने जो है वो अर्न किया है। तो पाकिस्तानी अगर मैं कंसीडर करूँ कि अगर डॉलर 160 का है तो इस वक्त यानी कि 1 हफ्ते के अंदर 120 रुपये जो है मैंने अर्न किए हैं। अच्छा, 120 जो अर्न किए हैं मैंने, वो कितने व्यूज़ के ऊपर अर्न किए हैं? ये देखें, व्यूज़ आ रहे हैं 3,615, ये आपके सामने ये जो है ये इधर आ रहे हैं। चले हम इधर जो है वो देखते हैं, 120 तकसीम 3,615, ये है जी पर व्यू के, यानी कि 0.03, ये रुपए भी नहीं है, ये पैसों में है। तो इसको मैं 1,000 व्यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ, इसको 1,000 से मैं ज़रब दे देता हूँ, तो ये देखें, ये 1,000 व्यूज़ के 3,300 रुपये दे रहे हैं। तो ये मैंने आपको लाइव चैनल के बारे में मैंने दिखाया है ओवरऑल। फिर इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तानी, कुछ लोग कहते हैं यार पाकिस्तानी जो व्यूज़ हैं उसके पैसे कम मिलते हैं। ठीक है, कम मिलते होंगे, लेकिन मेरे चैनल की जो ऑडियंस है वो आउट ऑफ कंट्री की भी है। पाकिस्तानी ऑडियंस मेरे चैनल की तकरीबन 80% है, बाकी जो 20% ऑडियंस है वो यूके की भी है, यूएई की भी है, सऊदी अरेबिया की भी है, कतर की भी है, दूसरे ममालिक की है। इसके बावजूद इतने पैसे मिले। तो ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोग ये ना करें कि मैं YouTube चैनल के ऊपर अपनी टोटल फोकस रखूं और मैं YouTube पे चैनल से जो है मैं पैसे कमाऊं। मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगा, इस तरह का काम बिल्कुल ना कीजिएगा। हाँ, YouTube चैनल आपने बनाना है, इसको एक पैशन के तौर पे लेके चलें। आप इसको इतना करें जितना आपकी दूसरी जो आपका जो काम है, जो आप अर्न कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपका डिस्टर्ब ना हो। ये आप घर आएं, घर आके 1 घंटा 2 घंटे दें, इससे ज़्यादा इसके ऊपर जो है टाइम ना दें। इसके ऊपर जारी बात है कि आप जितना टाइम देते हैं उस हिसाब से आपकी अर्निंग नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये थोड़ी सी, और ये भी हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा सच जान के थोड़ा सा आपको बुरा भी लगा हो, लेकिन मैं ये जान आपको जो है बताना चाहता था कि एक्चुअली ये YouTube की अर्निंग क्या है, जो मैंने खुद जो है अपनी मैं खुद एक्चुअली जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया तो मैं यही के बातों में आके कि बहुत ज़्यादा YouTube की अर्निंग है, तो मैंने जो है चैनल स्टार्ट किया था। तो मैं नहीं चाहता कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाए, तो इसलिए मैंने आप सब लोगों को मैंने दिखाया है।
दिखा के जो है आपको मैंने बताया। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।